और सभी बच्चे बढ़िया हो। चलिए देखिए, अपने पास बीएससी सेकंड ईयर मैथमेटिकल फिजिक्स चल रही थी और उसकी यूनिट फर्स्ट में मैंने तुमको कांटा करा दिया था पिछले वीडियो में कि जो कार्तीय निर्देश तंत्र तथा बेलीय निर्देश तंत्र में जो रूपांतरण होता है वो कैसे होता है। क्लियर, सभी में बता दिया था। वह कार्तीय निर्देश तंत्र और बेलीय निर्देश तंत्र के लिए जब अपन रूपांतरण ज्ञात करते हैं निर्देशांकों में संबंध, तो अपन क्या क्या ज्ञात करते हैं? स्थिति सदिश क्या ज्ञात करते हैं? स्थिति सदिश ज्ञात करते हैं, स्केल गुणक ज्ञात करते हैं और एकांक सदिश ज्ञात करते हैं। क्लियर, और मैंने बता दिया था कि जो अपने पास स्केल गुणक होता है वो क्या होता है? आधार सदिश के परिमाण को ही अपन क्या बोलते हैं? स्केल गुणक बोलते हैं। क्लियर, अब उनके जो अपने पास एकांक सदिश थे और जो अपने पास जो निर्देशांक अक्ष थे कार्तीय निर्देश तंत्र में, तो क्या लिए थे अपन? एक्स वाई जेड। और जो बेलीय निर्देश तंत्र में जो अपन निर्देशांक लिए थे वो क्या लिए थे? रो, फाई और जेड। उसी के आधार पर अपन ने एकांक सदिश लिया था। क्लियर, एकांक सदिश लेके फिर अपन ने क्या ज्ञात किया था? स्केल गुणक ज्ञात किया था। स्केल गुणक में अपने पास किस किस के मान आए थे? ईरो कैप, ईफाई कैप और ईजेड कैप। इन तीनों के मान आए थे, नहीं आए थे? आए थे। और इन्हीं के द्वारा अपन ने उस समीकरण में रखकर किस किस के मान निकाले थे? आई कैप, जे कैप और के कैप के। तीनों के मान निकाल लिए थे किस किस के? आई कैप, जे कैप और के कैप। क्लियर सभी को? चलिए अब देखिए, जो अपने पास नया टॉपिक मैंने पिछली वीडियो में डलवा दिया था कि सदिश क्षेत्र क्या होता है, किसमें? कार्तीय निर्देश तंत्र और बेलीय निर्देश तंत्र में जब अपन रूपांतरण करते हैं तो सदिश क्षेत्र उसका क्या होता है। क्लियर, तो हेडिंग डाल लेना सदिश क्षेत्र, सदिश सदिश क्षेत्र, सदिश क्षेत्र। देखिए, मैंने तुमको पीछे ही बता दिया था कि सदिश क्षेत्र को अपन किससे डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करेंगे? ए से। किससे डिनोट करते हैं? ए से। और सदिश ए का मान जो अपन ने पीछे बताया था कि वो कितने निर्देश तंत्र में, किसमें? किसी भी निर्देश तंत्र में क्या बताया था? ए वन ई वन कैप प्लस ए टू ई टू कैप प्लस ए थ्री ई थ्री कैप। बताया था, नहीं बताया था कि सदिश क्षेत्र जो सदिश ए का मान होता है वो कितना होता है? ए वन ई वन कैप प्लस ए टू ई टू कैप प्लस ए थ्री ई थ्री कैप। क्लियर है यहां तक? अब देखिए, जब अपन सदिश क्षेत्र किसमें ज्ञात करेंगे? कार्तीय निर्देश तंत्र में। किसमें? कार्तीय निर्देश तंत्र में। तो कार्तीय निर्देश तंत्र में जो सदिश ए का मान होगा वो कितना होगा? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। क्यों कार्तीय निर्देश तंत्र में ये क्यों मान लिया? क्योंकि उसके निर्देशांक क्या क्या है? एक्स वाई और जेड। इसलिए जो सदिश ए का मान होगा वो कितना होगा? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के। क्लियर, ये तो किसमें हो गए? कार्तीय निर्देश तंत्र में। और अगर मैं बेलीय निर्देश तंत्र में लूंगा तो बेलीय निर्देश तंत्र में जो अपन ने निर्देशांक लिए थे वो कितने कितने लिए थे? रो, फाई और जे। कितना लिया था? रो, फाई और जे। तो अपने पास जो सदिश ए का मान जो होगा सदिश क्षेत्र का, वो सदिश ए बराबर कितना होगा अपने पास? ए रो ई रो कैप प्लस ए फाई ई फाई कैप प्लस, और जो अपने पास लास्ट का होगा वो कितना होगा? ए जेड ई जेड कैप। क्यों? क्योंकि निर्देशांक क्या क्या है उसमें? रो, फाई, जेड। और कार्तीय निर्देश तंत्र में क्या है? एक्स, वाई, जेड। क्लियर, और उसके एकांक सदिश क्या लिए थे? आई कैप, जे कैप और के कैप। इसलिए कार्तीय निर्देश तंत्र में सदिश ए का मान कितना हो गया? ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और बेलीय निर्देश तंत्र में क्या हो जाएंगे? ए रो ई रो कैप प्लस ए फाई ई फाई कैप प्लस ए जेड ई जेड कैप। क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए, इसी के आधार पर अपन जो कार्तीय निर्देश तंत्र और बेलीय निर्देश तंत्र में जो रूपांतरण के अंतर्गत जो सदिश क्षेत्र होता है उसका मान निकालेंगे। क्लियर, चलिए लिखिए इसमें सदिश क्षेत्र, सदिश ए को सदिश क्षेत्र, सदिश क्षेत्र, सदिश क्षेत्र, सदिश ए को, सदिश क्षेत्र सदिश ए को कार्तीय निर्देशांक, कार्तीय निर्देश तंत्र में को कार्तीय निर्देश, कार्तीय निर्देश तंत्र में, कार्तीय निर्देश तंत्र में घटक, घटक ए एक्स कॉमा ए वाई व ए जेड। क्या है? कार्तीय निर्देश तंत्र में घटक ए एक्स ए वाई ए जेड तथा बेलीय निर्देश तंत्र में, तथा
तथा बेलनी निर्देश तंत्र में क्या क्या हो जाएंगे? एरो कितना हो जाएगा? एरो कॉमा एफआई व ए जेड है। सदिश क्षेत्र सदिश ए को कार्तीय निर्देश तंत्र में घटक ए एक्स कॉमा ए वाई कॉमा ए जेड व बेलनी निर्देश तंत्र में एरो कॉमा एफआई व ए जेड हो तो कार्तीय निर्देश तंत्र में कार्तीय निर्देश तंत्र में सदिश ए का मान कितना हो जाएगा? सदिश ए बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसी प्रकार किसमें निकाल लेंगे? बेलनी निर्देश तंत्र में तो सदिश ए का मान कितना हो जाएगा? एरो कैप प्लस ए फाई कैप प्लस ए जेड कैप ए जेड कैप। क्लियर? अपने पास समीकरण 7 तक तो आ गए थे, इसका 8 डाल देना और इसका 9। क्लियर? कि जो अपन ने कार्तीय निर्देश तंत्र और बेलनी निर्देश तंत्र में रूपांतरण ज्ञात किया था तो उनमें 7 समीकरण तक आ गया था कि 5, 6, 7 मैंने क्या क्या किया था? समीकरण 5 को cos phi और समीकरण 6 को sin phi से गुणा करके किसका मान निकाला था? आई कैप का। और फिर समीकरण 5 को अपन ने जस्ट अपोजिट sin phi और जो समीकरण 6 था उसको किससे किया था? cos phi, तो उससे गुणा करके अपन ने किसका मान निकाला था? जे कैप का। और के कैप का, तो के कैप ही होता है। क्लियर? तो नोट डाउन करिए, यहां तक समीकरण 8 व 9। तो नीचे लिखिए समीकरण 9 में ईरो कैप कॉमा ईफाई कैप व ईजेड कैप के मान रखने पर तो देखिए, जो अपन ने रूपांतरण ज्ञात किया था तो उसमें अपन ने ईरो कैप और ईफाई कैप और ईजेड के मान निकाले थे ना। तो अपने पास देखिए सदिश ए बराबर एरो, और वहां पर अपने पास जो ईरो कैप का मान था कितना था? ईरो कैप का मान अपने पास वहां पर cos phi i cap प्लस sin phi j cap कितना था? ईरो कैप का मान cos phi i cap प्लस sin phi j cap वो मान था। मैं बता देता हूं तुमको कि जो ईरो कैप का था मान था वो कितना था? रो इंटू cos phi i cap प्लस sin phi j cap बटे क्या था? रो। तो रो से तो रो कैंसिल हो ही जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा उसमें? cos phi i cap प्लस sin phi j cap। क्लियर यहां तक? प्लस अब देखिए, जो अपने पास ई फाई का जो मान था कितना था प्लस इसको एरो बना देता हूं, वो ए फाई। और कितना था ई फाई का मान? आई कैप कितना था? आई कैप साइन फाई प्लस जे कैप कॉस फाई। कितना था? आई कैप साइन फाई प्लस जे कॉस फाई प्लस के कैप इंटू कितना हो जाएगा? ए जेड, क्योंकि ई जेड कैप का मान कितना था? के कैप। पीछे की वीडियो देखना है, जब अपन ने कार्तीय निर्देश तंत्र बेलनी निर्देश तंत्र में जब अपन रूपांतरण ज्ञात किया था तो अपन ने सभी के मान निकाले थे, ईरो कैप का भी,
E5 कैप का भी और EZ कैप का भी। तो अपन ने यहाँ पर ईरो कैप का मान रखा है, E5 कैप का मान रखा है और EZ कैप का मान रखा है। क्लियर है सभी को यहां तक? चलिए तो नीचे लिखिए सदिश ए बराबर। तो देखिए अपने पास सदिश ए का मान कितना आ जाएगा अपने पास, देखिए सदिश ए बराबर अपने पास देखिए इसका मान देखिए। अब मैं जो आई कैप वाले पद हैं उनको तो एक साइड में ले लूंगा, बट इसमें कॉस फाई आई कैप है और इसमें क्या है माइनस साइन आई फाइव है। क्लियर, ये आई कैप वाला पद है, ये भी आई कैप वाला पद है, दोनों पद है या नहीं आई कैप और आई कैप है, इनको तो एक कोष्टक में ले लूंगा और जे कैप वालों को एक कोष्टक में ले लूंगा। अलग अलग लिखूंगा नहीं लिखूंगा, तो आई कैप वालों को एक साथ और जे कैप वालों को एक साथ। क्लियर सभी को? चलिए तो अपने पास कितना आ जाएगा देखिए इसमें कि आई कैप तो आई कैप वाला पद कौन सा है देखिए, ये वाला है, तो एरो कॉस फाई और दूसरा पद है अपने पास माइनस ए फाई साइन फाई। क्लियर, अब दूसरा पद अपने पास प्लस जे कैप वाले ले लेता हूं, तो जे कैप वाला पद इसमें तो ये है, तो एरो साइन फाई प्लस और जे कैप में कौन सा पद है अपने पास देखिए, जे कैप वाला ये वाला पद है, तो अपने पास कितना आ जाएगा ए फाई कॉस फाई और प्लस ये अपने पास है AZK कैप। इसका इक्वेशन नंबर 10। क्लियर है सभी को कि आई कैप वाला पद तो एक साइड, भाई जब मैं एरो का गुणा इसके प्रत्येक पद के साथ गुणा करूंगा तो एरो कॉस फाई आई कैप बनेगा प्लस एरो साइन फाई जे कैप बनेगा। इसी प्रकार ए फाई का मैं जब इसके गुणा करूंगा प्रत्येक पद के साथ तो ये क्या बनेगा माइनस ए फाई साइन फाई प्लस ए फाई जे कैप कॉस फाई। तो इसलिए मैंने आई कैप वाला पद एक साइड में, जे कैप एक कोष्टक में और ये अपना तीसरा पद तो है। और जब मैं आई कैप वाले पदों को एक साथ लूंगा तो आई कैप में क्या ले लूंगा कॉमन, तो आई कैप कॉमन आ गया, तो एरो कॉस फाई बच गया माइनस इसमें कौन सा पद है ये माइनस चिन्ह है, तो माइनस माइनस प्लस गुणा करूंगा तो किसका चिन्ह आएगा माइनस, तो माइनस ए फाई साइन फाई प्लस इसमें से जब मैं जे वाले पद साइड में लूंगा तो जे कैप क्या आ जाएगा कॉमन, तो इसमें से क्या बचा एरो साइन फाई प्लस क्या बचा ए फाई कॉस फाई प्लस ए जेड कैप है तुम्हारा तीसरा पद तो है। क्लियर सभी को? चलिए तो नीचे लिखिए समीकरण 10 की तुलना करने पर समीकरण 8 व 10 की जब मैं तुलना करूंगा तो अपने पास एक्स का मान कितना आ जाएगा, एक्स बराबर एरो कॉस फाई माइनस ए फाई साइन फाई। क्लियर, इसी प्रकार मैं ए वाई का निकाल लूंगा तो ए वाई बराबर कितना आ जाएगा अपने पास एरो साइन फाई। क्लियर, प्लस ए फाई कॉस वो ए फाई ये तो साइन फाई है ही, तो इसमें से ये साइन फाई रह गया। क्लियर, और इसमें क्या रह जाएगा अपने पास ए वाई का मान मैं जब 8 में 10 से करूंगा तो ए वाई जे कैप है इसमें, तो ए वाई जे कैप की जब मैं गुणा करूंगा तो कितना रह जाएगा अपने पास ए वाई जे कैप से जे कैप गई एरो साइन फाई प्लस कितना रह जाएगा ए फाई कॉस फाई और ए जेड बराबर कितना रह जाएगा अपने पास ए जेड, कितना रह जाएगा ए जेड के कैप से, तो के कैप सदिशों को गुणा क्या होता है एक। तो देखिए जब समीकरण 8 और 10 की तुलना करूंगा तो अपन के पास किस किस के मान आएंगे एक्स एवाई और ए जेड। क्लियर, तो एक्स का जब मैं मान निकालूंगा इससे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा देखिए समीकरण 10 ये है, तो आई कैप से करूंगा तो एक हो गया, कितना बचा एक्स, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा एरो, कितना आ जाएगा एरो कॉस फाई प्लस एरो साइन फाई। क्लियर है सभी को?
इसी प्रकार ए वाई का मान निकालूंगा तो ए वाई बराबर कितना आ जाएगा, ए रो साइन फाइव प्लस ए फाइव कॉस फाइव। क्लियर। इसी प्रकार मैं जब इसका निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, समीकरण 10 क्या बना था अपने पास, यही तो था, इसका करूंगा तो कितना आ जाएगा, ए रो साइन फाइव और ए फाइव कॉस फाइव। क्लियर भाई। एकांश सदिशों का गुणा तो कितना होता है, एक, तो एक होने पर कितना मान आ गया अपने पास, ए एक्स बराबर ए रो कॉस फाइव माइनस ए फाइव साइन फाइव, इसका ये कॉलम बचेगा ये, और जो अपने पास ए जेड का मान आएगा तो ए जेड का मान कितना आ जाएगा, ए जेड। क्लियर सभी को, क्योंकि के कैप का के कैप से करेंगे तुलना करूंगा तो के कैप का मान कितना होता है, एकांश सदिश होगा एक। क्लियर। तो नीचे लिख दीजिए, इसी प्रकार नीचे लिखिए, इसी प्रकार आई कैप कॉमा जे कैप वे के कैप के मान, के कैप के मान समीकरण समीकरण आठ में रखने पर, समीकरण आठ में रखने पर। तो देखिए अपन ने जब बेलन निर्देश तंत्र को आर्थिक निर्देश तंत्र में रूपांतरण ज्ञात किया था तो अपन ने आई कैप जे कैप और के कैप के मान भी निकाले थे, कम निकाले थे कि समीकरण पांच को साइन कॉस फाइव और समीकरण छह को साइन फाइव से गुणा करके मैंने समीकरण सात में रखा था, और समीकरण पांच को जस्ट अपोजिट साइन फाइव से और समीकरण छह को कॉस फाइव से गुणा करके उनको पुनः किस में रखा था, समीकरण सात में। तो जब अपन ने पांच को कॉस फाइव से छह को साइन फाइव से गुणा किया था तो किसका मान आया था, आई कैप का, और जब उसको जस्ट अपोजिट गुणा किया था तो किसका आया था, जे कैप का, और फिर उसका जो के कैप का था के कैप का, तो दो पतियों ही रहेगा। तो जो मैंने तुमको पीछे बताया था कि आई कैप जे कैप और के कैप का मान कितने कितने होते हैं, उनको मैं समीकरण किसमें रख दूंगा, आठ में, किसमें रख दूंगा, आठ में। तो अपने पास क्या बनेगा, देखिए नीचे कर रहा हूं मैं, तो देखिए समीकरण आठ क्या अपने पास ये है, तो अपने मैं इसमें रखूंगा तो सदिश ए बराबर ए एक्स तो है ही अपने पास, और ए एक्स एन टू। अब देखिए आई कैप का मान अपने पास कितना आया था, ईरो कैप कॉस फाइव प्लस, कितना आया था, ईरो कैप प्लस ई फाइव कैप साइन फाइव, साइन फाइव। क्लियर। प्लस है तो प्लस ए वाई, और जे कैप का मान कितना आया था अपने पास कि इसका इससे, तो कितना आ जाएगा, ईरो कैप साइन फाइव प्लस कितना आ जाएगा, ई फाइव कैप कॉस फाइव, कॉस फाइव। क्लियर। और जो अपने पास के कैप का मान था, जो के कैप का मान कितना निकाला था अपन ने, ए जेड, तो प्लस प्लस के कैप एन टू ए जेड, ए जेड, ए जेड, क्योंकि उसमें मान के कैप का मान कितना था, ए जेड, कितना था, ए जेड। तो अपने पास सदिश ए बराबर कितना आ जाएगा, सदिश ए बराबर ईरो कैप और कितना आ जाएगा, ए एक्स कॉस फाइव प्लस ए वाई साइन फाइव। क्लियर। प्लस ई फाइव कैप, ई फाइव कैप का मान दीजिए कितना आ जाएगा, माइनस ए एक्स साइन फाइव माइनस ए एक्स साइन फाइव प्लस प्लस ए वाई कॉस फाइव, ए वाई कॉस फाइव प्लस के कैप ए जेड, के कैप ए जेड। क्लियर सभी को, क्योंकि ईरो ईरो कैप वाले एक साइड में, ई फाइव वाले एक साइड में, और जो ए जेड के कैप वाला है वो तो जवाब क्यों ही रहेगा। क्लियर सभी को। चलो तो नीचे लिखिए, ये अपने पास के कैप का मान कितना था अपने पास, तो देखिए अपन ने क्या किया है कि यहां पर आई जे के कैप के मान समीकरण अपन आठ में रख लिए हैं। मैंने तुमको पिछली वीडियो में बता दिया था कि भाई आई कैप जे कैप और के कैप के मान कितने कितने आए, खाली मैंने क्या किया आई कैप जे कैप और के कैप का मान रखे, रख लिए, रखने के पश्चात जो के कैप का मान है वो कितना है, इजेड कैप, ये मान रख लिया। तो अपने पास जब मैं समीकरण 9 से तुलना करूंगा, इसकी समीकरण 9 से तुलना करूंगा तो कितना कौन किस किस का मान आएगा, ए रो ए फाइव और ए जेड के, तो ए रो का मान कितना आ जाएगा, देखिए ये तो एकांश सदिशों का गुणा, तो ये कितना हो गया एक, खाली क्या बचा ये वाला पद, तो ए रो बराबर कितना आ गया ये,
ई फाई का गुणा ई फाई से करूंगा तो एक खाली क्या बचेगा, किसका मान आएगा, ई फाई का कितना, ये। जब ई जेड कैप का ई जेड कैप से करूंगा तो एक, तो ए जेड का मान किसके बराबर आ जाएगा, ए जेड। क्लियर। ये तुम्हारा जो कार्तीय निर्देश तंत्र और जो बेलन निर्देश तंत्र है उसके जब अपन रूपांतरण ज्ञात करते हैं निर्देशांकों में संबंध, तो उसके लिए क्या आ जाएगा अपने पास, सदिश क्षेत्र। और सदिश क्षेत्र दोनों निर्देश तंत्रों के लिए आ गया, कौन कौन से निर्देश तंत्र के लिए, कार्तीय निर्देश तंत्र और बेलनी निर्देश तंत्र। क्लियर है सभी को, चल नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। नोट डाउन, चलिए अगला हेडिंग डालिए, डिराक डेल्टा फलन। डिराक डेल्टा फलन, अगला हेडिंग डालिए डिराक डेल्टा फलन। अगला हेडिंग है डिराक डेल्टा, डिराक डेल्टा फलन, डिराक डेल्टा फलन, डिराक डेल्टा फलन। देखिए डिराक डेल्टा फलन क्या है कि जो भी अपने पास परिपथ में क्या है, कोई भी परिपथ है उसमें होने वाले क्षणिक व्यवहार क्या है, क्षणिक व्यवहार, अर्थात आप कह सकते हो कि किसी भी परिपथ में होने वाले क्षणिक व्यवहार को समझने के लिए क्या, किसी भी परिपथ में होने वाले क्षणिक व्यवहार को समझने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, डिराक डेल्टा फलन का प्रयोग करते हैं। किसके, डिराक डेल्टा फलन का। कि माना कि अपन ने कोई एलसी परिपथ है और एलसी परिपथ में अपने पास कोई भी अपने पास क्या ले लिया जाए, अपने पास धारा परिवर्तन है, क्या कर दिया कि कोई भी अपने पास एलसी परिपथ में कोई धारा परिवर्तन हो रहा है, तो उस धारा परिवर्तन के क्षणिक व्यवहार को समझने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, डिराक डेल्टा फलन का प्रयोग करते हैं। तो तुम क्या कहोगे कि किसी भी परिपथ में, क्या बोलोगे कि किसी भी परिपथ में होने वाले क्षणिक व्यवहार क्या है, क्षणिक व्यवहार को समझने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, डिराक डेल्टा फलन। जैसे कि किसी भी अपन को एलसी परिपथ में क्या ले लिया, अपन को एलसी परिपथ ले लिया और एलसी परिपथ में जो धारा परिवर्तन होती है, क्या होती है, धारा परिवर्तन होती है, तो उसके जो क्षणिक व्यवहार को, अर्थात धारा परिवर्तन के क्षणिक व्यवहार को समझने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, डिराक डेल्टा फलन का प्रयोग करते हैं। और डिराक डेल्टा फलन में अपने पास कुछ कंडीशन होती है सात आठ, उनको आज अपन सिद्ध करेंगे। क्लियर। देखिए लिखिए इसमें परिपथ में होने वाले, नीचे लिखिए परिपथ में होने वाले, परिपथ में होने वाले क्षणिक व्यवहार लेकिन परिपथ में होने वाले क्षणिक व्यवहार को समझने के लिए क्षणिक व्यवहार को समझने के लिए डिराक डेल्टा फलन का उपयोग किया जाता है डिराक डेल्टा फलन का प्रयोग किया जाता है। यदि एक एलसी परिपथ लिया जाए तो
लिया जाए तो उसमें धारा परिवर्तन क्षणिक रूप में होता है। और नीचे लिख लीजिए गुणधर्म। इसके कुछ गुणधर्म होते हैं और उसमें पहला लिखिए इसमें, या इसमें पहले कंडीशन लिख लीजिए कि क्या क्या होती हैं। कंडीशन लिख लीजिए इसमें एक बार कि पहली कि डेल एक्स, क्या लिखोगे कि डेल एक्स बराबर एक और जीरो। यहां लिख देना यदि एक्स बराबर जीरो, और नीचे लिख देना यदि एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो और दूसरी लिख लीजिए इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और डेल एक्स इंटू डी एक्स बराबर एक। इसके लिए यहां पर फिगर बना लेना एक, फिगर बना लीजिए। ये होता है अपने पास डेल एक्स, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये केंद्र होता है ओ। क्लियर, बना लीजिए जल्दी से। नीचे लिख दिया ना, देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है कि यदि एक्स का मान जीरो है, क्या बोलोगे कि यदि एक्स का मान जीरो है तो जो डिराक डेल्टा फलन का मान होगा वो कितना होगा, एक। क्या होगा, एक। यदि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, क्या है, यदि एक्स का मान जीरो के बराबर नहीं है तो डिराक डेल्टा फलन का मान कितना आता है, जीरो। कितना आता है, जीरो। दूसरी कंडीशन है कि जब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी हो और डेल एक्स इंटू डी एक्स हो तो उसका मान हमेशा, उसका इंटीग्रेशन कितना होता है, डेल एक्स डी एक्स बराबर एक। कितना होता है, एक। दो कंडीशन हो गए। अब इन्हीं के आधार पर अपन जो कुछ गुणधर्म है उनको सिद्ध करेंगे। क्लियर, तो नीचे लिख देना कि यदि एक्स का मान, नीचे लिख देना यदि एक्स का मान शून्य हो तो, यदि एक्स का मान शून्य हो तो डिराक डेल्टा फलन का मान एक होगा। क्लियर, और यदि एक्स का मान शून्य ना हो तो डिराक डेल्टा फलन का मान शून्य होगा। क्लियर। अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग में तुमको एक गुणधर्म बता रहा हूं, हेडिंग डाल लेना नीचे गुणधर्म में पहला है तुम्हारा, देखिए गुणधर्म में अपने पास पहला है कि डिराक डेल्टा फलन सम फलन होता है।
अर्थात 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 तो नीचे लिख दिया ना डेल माइनस एक्स बराबर डेल एक्स डेल एक्स। क्लियर कि क्या बोलोगे गुणधर्म की डिराक डेल्टा फलन एक समफलन होता है अर्थात डेल माइनस एक्स बराबर डेल एक्स। तो अपन को इस गुणधर्म के आधार पर अपन डेल माइनस एक्स को किसके बराबर करेंगे डेल एक्स के, किसके बराबर करेंगे डेल एक्स के। और हम जानते हैं कि जब एक्स का मान जीरो है तो उस डिराक डेल्टा फलन का मान कितना होगा एक, और यदि एक्स का मान जीरो के बराबर नहीं है तो डिराक डेल्टा फलन का मान कितना होगा जीरो। और हम जानते हैं कि माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी डेल एक्स इनटू डी एक्स बराबर क्या होता है। क्लियर तो नीचे लिख देना हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन माइनस से माइनस से प्लस डेल एक्स डी एक्स बराबर कितना होता है एक। कौन सी कंडीशन लगाई है दूसरी, तो हम जानते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल एक्स डी एक्स बराबर कितना होता है एक, क्या होता है एक। क्लियर सभी को, तो नीचे लिखिए कि एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखने पर माइनस एक्स रखने पर तो अपने पास कितना बन जाएगा, देखिए कितना बन जाएगा जब मैं माइनस एक्स रखूंगा तो इसकी देखिए जो लिमिट है वो चेंज हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, और कितना हो जाएगा डेल माइनस एक्स डी माइनस एक्स बराबर वन। तो अपने पास कितना आ जाएगा देखिए दिस इंप्लाइज दैट माइनस मैंने बाहर ले लिया तो कितना हो गया प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, और कितना हो गया डेल माइनस एक्स डी एक्स बराबर वन बराबर वन। इसका देखिए इसका समीकरण एक डाल लेना, इसका समीकरण एक और इसका समीकरण नंबर दो डाल लेना, इसका समीकरण नंबर दो समीकरण दो समीकरण दो। तो नीचे लिखिए समीकरण एक व दो से तो समीकरण एक व दो से कितना आ जाएगा देखिए, समीकरण एक तो यह है अपना और समीकरण दो ये है, तो समीकरण एक व दो से कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और कितना आ जाएगा अपने पास देखिए डेल एक्स इंटू डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और कितना आ जाएगा डेल माइनस एक्स इंटू डी एक्स डी एक्स। क्लियर तो अब देखिए इसका मान किसके बराबर आ गया डेल एक्स के बराबर, और इसका मान डेल माइनस एक्स डेल माइनस एक्स। इसका देखिए एक मिनट रुकिए, इसकी मैं लिमिट चेंज कर देता हूँ, जब समीकरण दो डालता हूँ मैं इसका तो अपने पास जो लिमिट बनेगी वो कितनी बन जाएगी अपने पास देखिए, ये मैंने बाहर लिया है ना तो अपने पास कितनी बन जाएगी इसकी लिमिट देखिए इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और ये कितना रह जाएगा अपने पास देखिए डेल माइनस एक्स डी एक्स बराबर वन बराबर वन। तब लिखना समीकरण एक व दो से तो समीकरण एक व दो से कितना आ गया ये नोट डाउन करिए। क्लियर है कि भाई गुणधर्म में पहला गुणधर्म क्या है कि डिराक डेल्टा फलन समफलन होता है कि डेल माइनस एक्स बराबर डेल एक्स, लेकिन हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से डेल एक्स डी एक्स बराबर कितना होता है एक। एक्स के स्थान पर क्या रख लिया मैंने माइनस एक्स रख लिया, माइनस एक्स रखने के पश्चात ये दूसरा समीकरण आया तो समीकरण एक में दो से कितना आ जाएगा डेल एक्स, ये इसका मान किसके बराबर डेल एक्स के, और इसका मान डेल माइनस एक्स। क्लियर दूसरा गुणधर्म लिखिए इसका,
दूसरा गुणधर्म लिखिए, एक्स डेल एक्स का मान, दूसरा है एक्स डेल एक्स का मान सभी अवस्थाओं में शून्य होता है। ये क्या है इसका दूसरा गुणधर्म, तो नीचे लिख देना अर्थात एक्स डेल एक्स बराबर क्या होगा, जीरो। क्या होगा, एक्स डेल एक्स बराबर जीरो। नीचे लिखिए, अब इसको जब अपन सिद्ध करेंगे तो प्रूफ लिखिए कि यदि एक्स बराबर जीरो है तो डेल एक्स बराबर कितना होता है, एक। कितना होता है डेल एक्स बराबर एक, तो अपने पास कितना आ जाएगा एक्स डेल एक्स का मान मैं निकालूंगा तो देखिए एक्स का मान कितना है जीरो, जीरो इंटू डेल एक्स का मान कितना है एक, एक बराबर कितना आ जाएगा जीरो, कितना आ जाएगा जीरो। तो नीचे लिखिए यदि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है तो डेल एक्स का मान कितना होता है जीरो, कितना होता है जीरो। क्लियर, तो एक्स तो एक्स डेल एक्स बराबर, तो नीचे लिख दीजिए तो इसका मान कितना आ जाएगा अपने पास, तो नीचे लिख दीजिए कि एक्स डेल एक्स बराबर, तो कितना आ जाएगा एक्स डेल एक्स बराबर अपने पास जीरो इंटू एक्स बराबर कितना आ जाएगा जीरो, कितना आ जाएगा जीरो। तो एक्स डेल एक्स दोनों अवस्थाओं में कितना आ रहा है जीरो आ रहा है। अब इसमें तीसरा गुणधर्म है कि एफ एक्स बराबर एफ एक्स इंटू डेल एक्स, एफ एक्स इंटू डेल एक्स बराबर कितना हो गया बराबर एफ जीरो डेल एक्स, डेल एक्स। तो नीचे लिखिए एक्स बराबर जीरो पर, एक्स बराबर जीरो पर फलन का मान एक्स बराबर जीरो फलन का मान शून्य नहीं होता है। तो इसलिए तो एफ एक्स डेल एक्स बराबर कितना आ जाएगा एफ जीरो डेल एक्स। तो नीचे लिख देना चूंकि डेल जीरो बराबर वन, तो डेल एक्स बराबर कितना होगा एक, कितना होगा एक, तो अपने पास कितना आ जाएगा एफ एक्स डेल एक्स बराबर कितना आ जाएगा एफ एक्स डेल एक्स बराबर एफ जीरो इंटू वन, एफ जीरो इंटू वन, तो अपने पास कितना आ गया एफ एक्स डेल एक्स बराबर एफ एक्स डेल एक्स का मान कितना आ गया अपने पास एफ जीरो। और अब देखिए डेल एक्स का मान किसके बराबर है एक के बराबर है, तो कितना आ जाएगा डेल एक्स, डेल एक्स, क्योंकि एक के स्थान पर अपन ने क्या रख दिया डेल एक्स, तो क्या हो गया ये सिद्ध, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, यहां लिख देना प्रूफ, प्रूफ। ऐसे ही इनके चार पांच और गुणधर्म है, क्लियर, कितने हैं चार पांच और गुणधर्म है, तो तुम्हारा डिराक डेल्टा फलन फिनिश हो जाएगा। क्लियर, उन गुणधर्मों को अपन अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे कैसे जो गुणधर्म है उनको अपन कैसे सिद्ध करेंगे। क्लियर है सभी को, ये गुणधर्म किसके आधार पर होंगे कि जो अपने पास मैंने तुमको दो कंडीशन लिखाई है कि यदि x का मान क्या है जीरो के बराबर, तो डेल x का मान कितना होगा जीरो, यदि x का मान जीरो नहीं है तो डिराक डेल्टा फलन डेल x का मान कितना होगा जीरो। क्लियर, दूसरी कंडीशन आती है कि इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी डेल एक्स इंटू डी एक्स बराबर कितना होता है ए। अब देखिए इसमें ही देख लीजिए तीसरे गुणधर्म में कि एक्स बराबर जीरो पर फलन का मान शून्य नहीं होता है, तो एफ एक्स डेल एक्स बराबर कितना होगा एफ जीरो डेल एक्स, क्योंकि डेल जीरो बराबर वन है तो डेल एक्स का मान कितना होगा जीरो, तो मैं अभी डेल एक्स के स्थान पर क्या रख सकता हूँ एक, क्या रख सकता हूँ एक, तो एक रख लिया, तो एफ एक्स डेल एक्स बराबर कितना आ गया एफ जीरो इंटू वन,
मैं ए की साइड को तो सिद्ध करूंगा मैं, तो एफ एक्स डेल एक्स बराबर एफ जीरो और वन के स्थान पर क्या रख सकता हूं मैं, डेल एक्स, क्या रख सकता हूं डेल एक्स, तो कितना आ गया डेल एक्स, डेल एक्स, डेल एक्स एफ जीरो और यहां लिख देना जीरो, डेल जीरो, डेल जीरो, क्लियर सभी को, नोट डाउन करिए। ठीक है, अब इसके चार पांच और गुणधर्म है डिराक डेल्टा फलन में कि वो गुणधर्म कैसे सिद्ध होते हैं। क्लियर, कितने गुणधर्म हो गए, पहला गुणधर्म डिराक डेल्टा फलन एक सम फलन होता है उसके लिए ये प्रूफ कर दिया, दूसरा कि एफ डेल एक्स का मान सभी अवस्थाओं में क्या होता है शून्य होता है, तीसरा एफ एफ डेल एक्स बराबर कितना होता है ये, तो ये पक्ष इसके बराबर कैसे होगा उसको भी सिद्ध कर दिया है। क्लियर, तो कैसे किया है, एफ एफ डेल एक्स बराबर एफ जीरो और डेल एक्स के स्थान पर मैंने किसका मान रख लिया डेल जीरो, तो डेल जीरो, तो एफ एफ डेल एक्स बराबर एफ जीरो और डेल जीरो का मान कितना होता है एक, कितना होता है एक, तो डेल जीरो का मान मैंने एक रख लिया, तो एफ एफ डेल एक्स बराबर अब इस पक्ष को मैं इसके बराबर करूंगा तो एफ जीरो और एक मान किसके भी होता है डेल एक्स का भी होता है तो इसके स्थान पर मैं क्या रख दूंगा डेल एक्स, तो ये पक्ष इसके बराबर हो गया नहीं हुआ, हो गया, तो हेंस प्रूफ। क्लियर, इसी प्रकार चार पांच गुणधर्म और हैं उनको अगली वीडियो में देखेंगे और तो ये तुम्हारा डिराक डेल्टा फलन फिनिश, और उसके बाद एक टॉपिक और बचेगा इस यूनिट में जेकोबियन, क्या बचेगा जेकोबियन। क्लियर, इस डिराक डेल्टा फलन को अगली वीडियो में फिनिश करा के जो इसका जो लास्ट टॉपिक है जेकोबियन उसको करवाएंगे। क्लियर, जिससे तुम्हारी ये यूनिट फर्स्ट फिनिश हो जाएगी। क्लियर, ये यूनिट तुम्हारी दो वीडियो में, अगली दो वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी, दो वीडियो में कंप्लीट करा के फिर यूनिट सेकेंड करवाएंगे। क्लियर, इसको अपने हाथों से निकाल लेना एक बार, चलो।